मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ना मेरे साथ कोई चीटिंग हुई, ना मेरा कोई बजट बढ़ा, और मेरा जो काम था, जो मैंने आई थिंक 3D में मैंने जो चीज़ फील की थी, वो मैं जो बड़ी सुंदर लग रही थी, उससे बेटर चीज़ निकल गई। हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। आज मैं आपके सामने एक नया घर, एक ब्यूटीफुल कपल और एक बहुत अच्छी फैमिली लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, घर के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और हमने क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस संदीप जी एंड सुरभि, एंड हम बात करते हैं कि इनके घर पे हमने क्या किया और ये लोग हैं क्या। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप अग्रवाल एंड आई एम AVP इन SMC शेयर मार्केट। ओके मैम, माय नेम इज सुरभि। आज मैं आपके सामने संदीप जी का घर लेके आया हूँ, जिसमें हमने यूनिटी ग्रुप है यहाँ पर करोल बाग में, दिल्ली में हम हैं जहाँ पर हम बैठे हैं, तो द अमेरालिसिस के नाम से एक लग्जरी प्रोजेक्ट है और हमने एक बहुत अच्छा खूबसूरत घर बनाया है और उसके बारे में बात करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमने क्या किया। बिफोर आई डू दैट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो सर, आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपने जब एक घर खरीदा और आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे क्या करना है इंटीरियर्स को लेके। देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई भी जब अपना घर बनाता है तो वो सोचता है कि मैं तो मतलब इसमें सब कुछ लगाना है, मुझे अपने सपनों का एक घर होता है ना, वही थीम थी हमारी भी, और हमने काफ़ी इंटीरियर डिजाइनर से मिले, बट जो हमें कॉन्फिडेंस आया वो आपके साथ है। अच्छा, सीरियसली मतलब आपसे मिलकर फर्स्ट टाइम में हमें लगा कि यार ये मेरा लास्ट पॉइंट है और यहाँ पे मेरी मतलब जो खोज है ना वो खत्म। थैंक यू सो मच, ये मुझे याद है अच्छे से, जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ऑफिस में थे तो आपने तब भी कहा था, शशांक मैं इतने सारे डिजाइनर से मिला पर आपके यहाँ आते ही फील हमें अच्छी आई और हमें लगा कि यहाँ पर हम काम कर सकते हैं मिलजुल के। वंडरफुल, सो ये तो बिल्कुल सच बात है, इसी तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो आपको जब वुडोफा के बारे में पता लगा, आपने कैसे हमारे को ढूंढा और आप हमारे पास कैसे आए और आपको क्या लगा पहली बार आके? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने आपका हिंट दिया था कि वुडोफा एक अच्छा ब्रांड है और अच्छा काम करता है वो, आई थिंक क्लो काउंटी में आपने काफ़ी काम किया है, तो वहीं से मुझे आइडिया मिला और फिर फर्स्ट मीटिंग मैंने आपके साथ ही की थी संडे को, तो सीरियसली अमेजिंग मीटिंग थी और फर्स्ट टाइम ही शायद मुझे लगा था कि यार ये अब क्लोज कर देना चाहिए अपने को। अपना जो अपने को चाहिए, एक अच्छा ब्रांड मिल रहा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, काम भी देख लिया इनका, तो ठीक है अब करना चाहिए। हाँ। तो आप व्यूअर्स को क्या एडवाइस दोगे कि जो आपके जैसे लोग हैं, एक अच्छा जगह काम करते हैं और एक अच्छा घर एक अच्छी जगह लेते हैं, तो क्या करें बिफोर दे गो टू अ इंटीरियर डिज़ाइनर? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी। सबसे पहले तो आपको जो इंटीरियर डिज़ाइनर है ना, वो आपके साथ एज ए फ्रेंड होना चाहिए, न कि ये कि यार ये लगाना है ये नहीं लगाना। मुझे सबसे अच्छा पॉइंट इनका पता क्या लगा, मुझे आपके साथ सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि आपने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं। और मैं मानता हूँ कि मेरा जो घर था ना, वो तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे को सब कुछ प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की, और इसके साथ साथ मैं हूँ शेयर मार्केट का बंदा, तो अपने को तो देखो सर दो चीज़ की वैल्यू पता होती है, एक टाइम की और एक पैसे की। पैसे की, करेक्ट। और आपने वो टाइमली मेरे को चीज़ दी और सबसे अच्छी बात है बहुत रीजनेबल और बहुत सुंदर घर बना। वंडरफुल, कई लोगों ने तारीफ करी है, आई एम वेरी श्योर कि जब संदीप आए हमारे पास तो बहुत मज़ा आया, मुझे ही बड़ा अच्छा लगा था यार मिलके। और बहुत कम होता है मतलब कि सामने वाले के साथ अगर दिल का कनेक्शन हो जाए ना, तो घर भाभी अलग है और काम करने का तरीका अलग है, आपको लगता है यार आपको अपनी तरफ से बेस्ट ही करना है। और आपके पास आकर मैं बस ये लगा कि हाँ, जो हम कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, ये चीज़ है कि हमारे अकॉर्डिंग हमारा घर डेकोरेट हो रहा है, हो जाएगा। ये हमारा घर घर जैसा है, ऐसा नहीं है कि हमने इसमें बहुत सारा इंटीरियर करवा लिया या क्या हो गया, वो चीज़ नहीं। उसका भी इन्होंने सबसे अच्छी बात दी थी कि स्लोगन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भैया आपको ये बताओ कि घर बनाना है कि होटल बनाना है, तो फिर हम तो घर बनाते हैं होटल नहीं बनाते हैं, यही कहा था। तो गाइज, ये आप लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार ही सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई ऑलवेज टेल दिस, एंड ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसे से घर बनता है, पैसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख या 5 करोड़ भी खर्च करने हो, पर उसकी राइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर घर को घर बनाना है तो घर तरीके से सोचो, और घर को अगर आप वाकई में होटल बनाना चाहते हो तो अलग तरीके से सोचना होगा, और आपको अपने डिज़ाइनर को पहले दिन बताना होगा कि हाँ यार मैं ये चाहता हूँ, अदरवाइज़ भैया इतना बड़ा मिसमैच हो जाएगा ना, आप यहाँ सोचोगे दूसरा आदमी यहाँ सोचेगा, तो कभी भी कनेक्शन होगा ही नहीं। तो अब आपका कैसा रहा डिज़ाइन एक्सपीरियंस, जब आप हमारे पास डिज़ाइन करने आए, आपने फाइनल कर दिया कि हाँ मुझे काम कराना है, तो डिज़ाइन का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था आपके? मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, मुझे आपके साथ साथ ना भाई, योर टीम इज़ सो कोऑपरेटिव और सो इंटेलिजेंट, मतलब नॉलेज रखते हैं,
मतलब होल टीम इज हैव ए गुड नॉलेज फॉर अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग, कहाँ पे हमें क्या चीज़ रखनी है, कहाँ पे क्या चीज़ आना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, अल्टीमेट आई थिंक निधि इज वेरी गुड डिजाइनर. वंडरफुल. तो इस प्रोजेक्ट पे निधि डिजाइनर थी. आपने निधि के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो आई एम श्योर आप जब ये वीडियो भी पूरे घर का देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा. तो पर भाभी आपका एक्सपीरियंस कैसे था हमारे साथ निधि के साथ डिजाइन करने को लेके, मतलब राइट फ्रॉम ब्लैंक घर से और एक अच्छा ड्रीम होम बनाने तक का सफर? बहुत अच्छा था. आपने हर चीज़ हमसे पूछ के हमारे अकॉर्डिंग की है, हमें किसी चीज़ में कहीं दिक्कत नहीं आई. हमें ये फीलिंग नहीं हुआ कि कुछ चीज़ आप हम पे मतलब अपने हिसाब से करा रहे हो, एक एक चीज़ हमारे हिसाब से हुई है यहाँ पे. तो बोल, और मैंने कोई पैसे नहीं दिए बोलने के लिए, सच बोल रहे हैं हम. जो भी हमारी पार्टी में आया था सबने तारीफ की है. लवली की डिजाइनर एक ऐसी चीज़ है, पहले तो वो तारीफ कर देगा, बाद में तारीफ नहीं कर सकता. बाद में तो उसको अगर चीज पसंद आएगी ना तभी तारीफ करेगा. तभी करेगा. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. तो क्रिस्प एंड शॉर्ट में बोलूँ तो बड़ा अच्छा डिजाइन एक्सपीरियंस था भैया के साथ. एंड आई एम श्योर क्योंकि उनके यहाँ जैसे आपने बताया बहुत सारे चैलेंजेस भी थे. एक्चुअली जो यूनिटी ने घर दिया है ना, इसमें कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर की इश्यूज़ हैं जो कि उन्हें और अच्छा डिज़ाइन कर लेना चाहिए था. पर वॉट एवर कि जो बिल्डर देता है हमें उसी को अच्छा बनाना है. तो हालांकि हमने इसमें कोई दीवार नहीं तोड़ी, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, थोड़े बहुत चेंजेस करे. इवन मिरेकल किचन को हमने थोड़ा फाइन ट्यून किया. और एक अच्छी बात क्या थी, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर क्लाइंट आपका आपके साथ समझ रहा है कि आप जो बोल रहे हो तो भैया उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है. क्योंकि मैंने अगर आपको बोला किचन के पल्ले चेंज करो, आपने कर दिए. मैंने आपको बोला नहीं अलमीरा का ना कारकेस यूज़ कर लेते हैं पर शटर चेंज कर देते हैं, आपने करा दिया. सिमिलरली एक रूम था गेस्ट रूम जिसके अंदर हमने पूरी अलमीरा ही चेंज कर दी. उसको अलमीरा का मतलब कम टीवी यूनिट बनाना था, तो मतलब एक बड़ा चैलेंज था उसको उस रूम में वो सब चीज़ों को अकोमोडेट करना. मतलब अलमीरा भी चाहिए थी, टीवी भी चाहिए था, पूजा भी चाहिए थी, और थोड़ा रूम को थोड़ा क्विकी भी बनाना था. तो वो सारा एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन आप लोगों ने कॉपरेट किया और हम लोग बना पाए तो एक अच्छी चीज़ बन गई. तो ऐसे ही आपका मास्टर बेडरूम को लेके क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि वो मुझे पता है थोड़ा बहुत सारे चीज़ें थी उसके बारे में बताओ आप. मास्टर बेडरूम में देखिए भैया चैलेंजेस तो थे काफ़ी, और सबसे बड़ा चैलेंज था कि पुल आउट बेड का जो आपने एक तरीका निकाल के दिया मुझे. और रियली मतलब एक यूनिक प्लान था आपका, और जिसके लिए हमने मेहनत, आपने मेहनत तो मैं देख रहा था कि फर्स्ट डे से हमने डिजाइनिंग स्टार्ट करी थी तब से लेके हम लोग आई थिंक 4 या 5 संडे फुल टाइम बैठे हैं वहाँ बैठे, और आप फुल टाइम हमारे साथ. मतलब मुझे सीरियसली यकीन नहीं था कि शायद आप इतना टाइम देंगे, या आई थिंक सबको टाइम देते होंगे या मुझे दिया स्पेशल, आई डोंट नो. बट वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था. और मास्टर बेडरूम में जो आप लोगों ने जो चैलेंजेस थे, लाइक जो मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम, मुझे एक सेपरेट बेड चाहिए था बट स्पेस भी यूटिलाइज ना हो, तो आपने एक आइडिया निकाल के दिया कि हम इसको पुल आउट बेड बनाएंगे. पुल आउट बेड में भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं, आप उसको कहाँ से निकाल रहे हो, उसमें कितनी मजबूती होनी चाहिए, वो कुछ टाइम के बाद ख़राब ना हो जाए. तो उसमें भी आपने कारपेंटर और डिज़ाइनर को पुश करके कुछ चीज़ें ऐसी कराई थी कि वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर. लवली. तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मास्टर बेडरूम में ना डबल बेड था, तो मैंने 5x6 का बेड तो लगवाया हम लोगों ने, पर मैंने बोला कि एक आपको 3x6 का अलग बेड रखने की ज़रूरत नहीं, उसको पुल कर लेते हैं क्योंकि सारा टाइम नहीं चाहिए होता. तो भैया की रिक्वायरमेंट थी पर्टिकुलरली कि उनको कभी कभार वो अलग सेपरेटली सोना है तो वो बेड पुल कर पाएँ या वो रख पाएँ. पहले वो चारपाई पे सोया करते थे जैसे टिपिकली एक बेड होता था पुराने घर में, और वो उतना कंफर्टेबल कभी होता नहीं है. और डेफिनेटली मतलब एक नया घर बना रहे हो तो आपको नए तरीके से उसे डिज़ाइन भी करना है और घर की लुक भी ठीक बनानी है. तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया. मैंने बोला हाफ स्टोरेज यूज़ करेंगे और हाफ बेड को पुल बना लेंगे, तो एंड एवरीबडी एक्सेप्टेड और वो बड़ा अच्छा बेड बन गया. अच्छा आप अपनी डॉटर के बारे में बताओ, आप उसका बेडरूम में भी बड़े सारे काम हमने किए, बड़ा मज़ा आया उसको डिज़ाइन करते हुए. उसका एक्सपीरियंस क्या, भाभी से शुरू कर दे. बहुत अच्छा, जिसने भी देखा है पिंक, लेकिन वो इतना अच्छा निकल गया है शायद वर्ड्स नहीं है क्योंकि हमने किसी से पूछा नहीं हमारा कैसा लग रहा है, सबने अपने तरफ से कहा है बहुत अच्छा है. कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि मतलब अच्छा होने के बावजूद वर्ड्स नहीं है मेरे पास. थैंक यू सो मच. आपका क्या एक्सपीरियंस था भैया, आप मुझे पता है. अच्छा एक और चीज़ बताऊँ तो मुझे लगता है भाभी से ज़्यादा भैया ज़्यादा कॉन्शियस थे ईदा का बेडरूम बनाने के लिए. हर छोटी छोटी चीज़ 10 बार तो मेरे साथ बात करी, भाई ये ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा तू बता, तब मैं आगे बात करूँगा. कभी देखिए जब डाउट होते हैं ना, तो जो सबसे प्रोफेशनल होते हैं या जो सबसे सीनियर होते हैं ना, उनसे अगर आप अपने दिल की बात करो और वो कॉन्फिडेंट दिखा देते हैं ना, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और ईदा के बेड हो या कलर कॉम्बिनेशन हो, अलमीरा हो एंड स्टडी टेबल हो, मतलब हर चीज़ इतनी अच्छे से सेटल है और इतना स्पेस निकल का है. जो मैं चाह रहा था कि मेरी डॉटर अगर डांस करना है उसको, तो इतना स्पेस हो कि वो डांस कर पाए, योगा कर पाए एंड उसके अपनी टॉय से प्लेइंग कर पाए, तो सब चीज़ बहुत अच्छे से निकाल के. थैंक यू सो मच. तो और गेस्ट बेडरूम के बारे में बताओ.
गेस्ट बेडरूम। देखिए हमने गेस्ट बेडरूम पे ना सबसे कम ध्यान दिया था, और हमने छोड़ा था कि भैया बोले कि यार इसको आप ना इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मेरा सबसे मतलब यूनिक और सबसे सुंदर रूम निकल के आया है, जो उसमें लोवर्स लगाए हैं छत के ऊपर एंड रूम एंड टेम्पल अल्टीमेट बहुत सुंदर है। अभी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको प्लीज शेयर करना। तो और मैं आपको बताऊं मजे की बात, अगर हमने दो बेडरूम्स में दो दिन लगाए होंगे मान लेते हैं, तो गेस्ट बेडरूम में शायद 15 मिनट लगाए होंगे भैया से डिस्कस या भाभी को बताने के लिए कि ये करने वाले हैं, और वो जो आपके सामने है वो है। सिर्फ 15 मिनट में हमने उसका डिजाइन फाइनल कर लिया था। मुझे लगता है 16वां मिनट भी नहीं लगा था उसका डिजाइन को ओके कराने। सर आप लोगों के माइंड में ना पहले ही सेटअप था कि हाँ यार इसको तो हमें इस तरह से करना है। सबसे कम टाइम सबसे सुंदर चीज। थैंक यू। अच्छा भैया जब हमने डिजाइन सारा कुछ कर लिया, तो उसके बाद जब हम आपका एग्जीक्यूशन शुरू करने लगे, तो उस समय और आखिर तक आते आते तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था वोडाफोन को लेके, काम को लेके? आपको लग रहा था कि कोई चीट तो नहीं कर रहे, कोई गलत माल तो नहीं लगा रहे, जो मुझे बोला था क्या वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? मेरा इसमें हर चीज़ टाइमली थी। कुछ चीज़ें देखिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन सब चीज़ मुझे चीज़ें टाइमली मिली। मुझे दिवाली का मेरा टारगेट था कि मुझे शिफ्ट करना है या मुझे अपना गृह प्रवेश करना है, वो भी टाइमली हुआ। कुछ चीज़ें लगी कि डिले हो रही है, बट ये लोग कॉन्फिडेंट थे, बोलो भैया आप चैलेंज टेंशन ना लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैं दिवाली पे देना है, मुझे दिवाली आपको आपके घर में मनवानी है, वो उन्होंने मनवाई। ऑल ओवर एक्सपीरियंस वेरी नाइस, टीम वेरी कोऑपरेटिव, नॉलेज भी है, टीम रखते भी पूरी है। मतलब एक बंदा ऐसा नहीं है कि उसको एक ही चीज़ की नॉलेज है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है। करेक्ट। सो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी को एडवाइस दूंगा, आप किसी से भी काम कराओ, किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से, किसी भी आर्किटेक्ट से, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, आपको ये देखना है कि क्या उसके पास वो कैपेबिलिटी है, क्या वो अपनी ओवर कैपेसिटी से काम तो नहीं कर रहा। कभी उसको लेने की कैपेसिटी 3 प्रोजेक्ट्स की और उसको अपने 30 दे दिए, तो क्या वो कर पाएगा? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती सिर्फ काम लेने के लिए काम लिए जा रहा है? तो भाभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि 5 लें या 50 लें, हम उतने ही प्रोजेक्ट लेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। नहीं होगी तो मैं मना कर दूंगा कि मैं नहीं कर सकता मैं, पर आपको चीट नहीं करूंगा, ये नहीं बोलूंगा नहीं भैया लटका दिया, 1 साल तक आप लटक रहे हो और वो प्रोजेक्ट हो ही नहीं रहे। आपने प्रॉपर सेटिस्फाइड किया, प्रॉपर। थैंक यू। अच्छा ये तो हो गया डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन का, तो अब आप जब खत्म होने लगा था घर, तो थोड़ा सा पैनिक ही होता ही है, हर कोई होता है कि अब ये कब खत्म होगा, अब ये कब डेकोर आएगा, कब फर्नीचर आएगा, तो वो क्या चल रहा था दिमाग में? तो मैं मानता हूँ भैया देखो सबके साथ ही होता होगा आई थिंक, बट वो जब एक निकल जाता है ना, वो लहर होती है, जब लहर निकल जाती है ना, तो हमें लगता है कि यार हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, सारे काम प्रॉपर है। वहाँ मेरा वहाँ पैनिक होना शायद मुझे फील हुआ कि गलत था, बट वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से हर आदमी के साथ होता है, हर आदमी की जरूरत है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आखिरी के 15 दिन ही क्रिटिकल है, बाकी पूरी घर में आपने कुछ भी किया हो डज नॉट मैटर, पर अगर आखिरी के 15 दिन आपने क्लाइंट का प्रेशर ले लिया, आपने क्लाइंट को समझा दिया, उसको बता दिया कि यार ऐसे करो, तो सारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे पता है आखिरी के 15 दिन। नहीं, वो बनता भी है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपकी च्वाइस की नहीं आएगी, आप चीज़ डेकोर लेने जा रहे हैं, आप लाइटिंग का कुछ सामान लेने जा रहे हो जो हमारे पूरे घर में की हुई है, तो उसमें आपकी राय बहुत जरूरी होती है, और उसको आपके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा भैया आपका बजट के लेके क्या है वो था कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको बोला कुछ और बाद में कर कुछ और दिया? देखिए एक है ना, आपने एक कहावत है अपने यहाँ कि आप मकान बनाने चलोगे ना आपने, तो आप जो बजट लेके चल रहे हो ना उससे 25-30% ऊपर आप मान के चलेंगे। मेरा बजट ऐसा सीरियसली कुछ नहीं हुआ, 2-4-5% ऊपर नीचे हुआ है, इससे अलावा कुछ नहीं हुआ। भाभी आपका क्या एक्सपीरियंस था? बजट जो है हमारे अकॉर्डिंग हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि थोड़े डिजाइनर के पास जाते हुए हेजिटेशन रहती है, लेकिन आपसे मिलके ऐसे वाली चीज निकल गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, जो आपको नोट करना है अगर आप वीडियो देख रहे हो, कि ज़रूरी नहीं है हर डिज़ाइनर सिर्फ आपके पैसे खर्च कराना चाहता हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए, मैंने भी खर्च कराए होंगे, मेरी टीम ने भी खर्च कराए होंगे, पर हम हमेशा बोलते हैं विश्वास करो, ट्रस्ट अस, हमें आपकी जेब को काटना नहीं है, हमें आपके घर को, आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। आप बाहर जाके वो फील करो, उसकी जगह आप घर में वो सारी चीज़ें फील कर पाओ, ये हमारा इंटेंट और जॉब है। अदरवाइज भैया 50 तरीके के डिज़ाइनर्स हैं मार्केट में, और हर कोई हर तरीके का काम करता है, पर सारे एक जैसे नहीं हैं। देखिए आपकी ये जो मार्केट है ना, उसके अंदर मैं मानता हूँ कि ट्रस्ट शायद ही रेयर कोई बंदे के पास मिलती है। हमें सबसे बड़ा डर यही था कि यार ये मार्केट जैसे बोलते ना बिल्डर, इंटीरियर डिजाइनर, ये लोग तो भैया एक
होता है, सबके सबने सुना होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस सीरियसली ऐसा, मेरा मतलब ऐसा नहीं रहा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ना मेरे साथ कोई चीटिंग हुई, ना मेरा कोई बजट बढ़ा, और मेरा जो काम था, जो मैंने आई थिंक 3D में मैंने जो चीज़ फील की थी, वो मैं मुझे बड़ी सुंदर लग रही थी, उससे बेटर चीज़ निकल गई। वेरी गुड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट कर लो, जो 3D में दिखाया था उससे बेटर घर बनाया यार, मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियोस देखो, घर ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा 3D से। अच्छा भैया, समथिंग अनएक्सपेक्टेड यू गॉट, मतलब आपको जो एक्सपेक्टेड नहीं था एंड यू गॉट दैट इन द हाउस। आप सर किसी भी देखो काम करवाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार जो बोल रहे हैं उससे 19 नहीं मिलेगा, बट मेरा 21 निकल गया। वेरी गुड। मेरे पास से कम नहीं तो मैं मानता हूँ कि जिसको भी कोई भी काम कराना है, 8-10 लोगों ने आपका नंबर लिया, इवन आप थे, आपके सामने भी आप भी आए थे मेरे छोटे से फंक्शन में, तो तभी उन्होंने आपका नंबर लिया था, जबकि वो अब उनके जो फ्रेंड है वो खुद डिजाइनर है, बट उन्होंने बकावड़ा काम अच्छा लगा, उन्होंने भी नंबर लिया। भाभी आपका समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो आपको लग नहीं रहा था कि मेरे घर में ये होगा और आपको मिल गया। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग आई है, बस मेरे को तो ये लग रहा है पर घर में रहने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट इज द की, मतलब अल्टीमेटली हम घर क्यों बना रहे हैं, इसलिए तो बना रहे हैं कि अपन रोज सुबह उठें और शाम को जब घर वापस आए तो हमें मजा आए घर वापस आने में, तो वो आपको लगता है कि नहीं लगता, वो इम्पोर्टेंट है। तो एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? मेरी ये एडवाइस है, देखिए आप लोग हो सकते हैं, मैं कुछ लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं सीरियसली अपने मन से बोल रहा हूँ, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ रहे हैं तो आप शशांक जी के साथ, आप वुडोफा के साथ जा सकते हैं बेझिझक, बाकी एक्सपीरियंस आपका कोई भी चैलेंज आए तो आप डायरेक्टली मुझे भी। बड़ी बात है भाभी, आप कुछ एक बार आप आके देखिए वुडोफा, बिल्कुल ट्राई कीजिए, बल्कि आप जाएंगे नहीं खाते। थैंक यू सो मच। तो गाइस बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मुझे बड़ा खुशी हो रही है दिल से कि मतलब जो मैं करना चाहता था, जो मैंने ये कंपनी बनाई लंदन से आने के बाद, आज वो वैल्यू दिख रही है, और मुझे लग रहा है यार इसीलिए मैं वापस आया, मतलब मुझे बाहर जाके काम करना बड़ा आसान था, बट वापस इंडिया आके काम करना और सब लोगों से मिलना तो अपने आप में एक फैक्टर है। तो गाइज अगेन वी आर नियरली एंड, और जब ये एंड हो रहा होता है वीडियो, मुझे हमेशा लगता है ख़त्म क्यों हो रहा है, इसमें और बात करनी चाहिए, पर इसको कट शॉर्ट करेंगे आज यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टिल द एंड, सी यू एट अनदर सोफा फ्रॉम वुडोफा, थैंक यू।